हिंदी साहित्य में छायावाद के अंतर्गत चार अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से हम आज अध्ययन करेंगे सुमित्र नंदन पंत जी के विषय में। सुमित्र नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के विविध चरण अथवा विविध सोपान। आपको पता ही है कि प्रत्येक कवि हर समय एक ही जैसी कविताएं या एक ही विचारधारा पर आधारित कविताएं नहीं लिखता है। समय के साथ उनकी विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता है और नए नए विषय पर वे कविता लिखते हैं। तो ऐसे आज हम देखेंगे सुमित्र नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के विविध चरण अथवा विविध सोपान। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कविवर सुमित्र नंदन पंत हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का स्वरूप एवं स्वर समय के साथ बदलता रहा है। मतलब उनकी जो कविता का विषय है समय के साथ बदलता रहा है। उनकी प्रारंभिक कविताएं छायावादी काल की है जिनमें प्रकृति सौंदर्य की प्रधानता है। शुरुआत में जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो वे प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत रहे और उन्होंने प्रकृति सौंदर्य की कविता लिखी। इसीलिए इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि अथवा प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इनकी तुलना की जाती है अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से। अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म के जो कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनसे इनकी तुलना की जाती है। किंतु बाद में उनकी कविताओं ने प्रगतिवाद का रास्ता अपना लिया। प्रगतिवाद आपको पता है कि राजनीति के क्षेत्र में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही हम कहते हैं प्रगतिवाद। तो बाद में उनकी कविताएं प्रगतिवादी इन्होंने रास्ता अपना लिया। शोषण का विरोध करने वाली पंथ की प्रगतिवादी रचनाओं में गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। प्रगतिवादी कविताओं में इनकी जो गरीबों के प्रति इन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है। कालांतर में पंथ की काव्य यात्रा का विकास अंतश्चेतनावादी कविताओं के रूप हुआ जहां वे अरविंद दर्शन से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। प्रगतिवाद के बाद जो उन्होंने कविताएं लिखी वो अरविंद दर्शन, अरविंद जी का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस पर आधारित है। और इस दौर को कहा जाता है अंतश्चेतनावादी। अंतश्चेतनावादी मतलब मन की चेतना, अंदर की सोच, अंदर की चेतना, आंतरिक चेतना, भीतरी चेतना। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं हैं। पंथ काव्य का जो चतुर्थ चरण है वह नव मानवतावादी कविता का है। नव मानवतावादी का तात्पर्य है विश्व का कल्याण, कि विश्व के सभी व्यक्ति सुखी हों, कोई कष्ट में न रहे, सभी साधन संपन्न हो और सबका जीवन सुखी रहे। इसे कहा जाता है नव मानवतावाद, जहां ये नव मानवतावाद का संदेश सुनाते दिखते हैं। पंथ काव्य के इस क्रमिक विकास को चार चरणों में निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। तो जो पंथ जी के जो काव्य हैं, सुमित्र नंदन पंत जी के जो काव्य हैं, उसको हम चार चरणों में अथवा चार सोपानों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें से पहला है छायावादी युग। इसका समय काल है 1918 से 1934 ईस्वी के बीच इन्होंने जो कविताएं लिखी वे छायावादी कविताएं हैं। इसके बाद प्रगतिवादी युग 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। इसके बाद अंतश्चेतनावादी युग जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। और नव मानवतावादी युग 1949 ईस्वी के उपरांत जो उन्होंने कविताएं लिखी वे इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक। पंथ की काव्य यात्रा का प्रथम चरण छायावादी रचनाओं का काल है। इस काल के अंतर्गत उनकी निम्न कृतियां प्रकाश में आई जिनके नाम है उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। ये इनकी रचनाएं हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये रचनाएं इस समय इनकी प्रकाश में आई है ना, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा है जो 1916 ईस्वी की रचना है। ज्योत्सना नाम का इन्होंने गीति नाट्य भी लिखा था, यह भी इसी समय का है। इन सभी रचनाओं में छायावादी कविता की विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। छायावादी कविता है मतलब जो इन्होंने प्रकृति को ध्यान में रखकर लिखा था, प्रकृति से प्रेरित होकर। प्रकृति सुंदरी की अपूर्व छटा से युक्त इन कविताओं की विषय वस्तु एवं शिल्प छायावादी है। कवि प्राकृतिक सुषमा की ओर आकृष्ट है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की भांति वह प्रकृति को गहन आश्चर्य के रूप में देखता है। प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत कवि को नारी सौंदर्य में भी इतना आकर्षण नहीं दिखता जितना प्रकृति में, इसीलिए वह कहता है। तो छायावादी युग में जब उन्होंने कविताएं लिखी तो मुख्य रूप से उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति से प्रेरित होकर कविता लिखी और वह प्रकृति की सुंदरता की ओर बहुत ज्यादा आकृष्ट है। जैसे कि उसमें अंग्रेजी के जो रोमांटिक कवि थे वर्ड्सवर्थ इत्यादि, वो प्रकृति से प्रेरित होकर कविताएं लिख रहे थे, ऐसे ही कवि ने प्रकृति से प्रेरित होकर कविताएं लिखी। और इस समय उनको नारी के सौंदर्य में, स्त्री के सौंदर्य में उतनी सुंदरता दिखाई नहीं देती है जितनी की प्रकृति की सुंदरता में।
मतलब स्त्री की सुंदरता की तुलना में वे प्रकृति की सुंदरता से ज्यादा आकृष्ट होते हैं। और उन्होंने लिखा है, छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। मतलब युवती के केशों की छाया, युवती के जो बालों की जो छाया है उसे वृक्षों की छाया उसे कहीं अधिक आकृष्ट करती है, तथा भ्रमरी की मधुर गुंजार के सम्मुख कोकिल कंठी युवती का गान उसे फीका लगता है। कोई अच्छा गाना गाने वाली महिला है उसका गाना उसको उतनी अच्छी नहीं लगती जितना का जो भौरे का गुंजार, जो भौरा जो गुंजन करता है उसकी जो आवाज है उसको किसी युवती की आवाज से अच्छा लगता है, इसीलिए वह प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहता है। पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विड़ा से ग्राम्या तक मेरी सभी रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य के प्रति प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उन्होंने स्वयं ही कहा कि विड़ा जो उनका काव्य संकलन है वहां से लेकर ग्राम्या तक जो भी कविता उन्होंने लिखी उनमें प्रकृति के सौंदर्य बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, किसी न किसी रूप में विद्यमान है। पंत की छायावादी रचनाओं में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। किस रूप में चित्रण किया गया है? आलंबन के रूप में चित्रण किया गया है। आलंबन मतलब भाव का आधार, आलंबन उद्दीपन ये सब पढ़े होंगे जो रस के अंतर्गत, तो आलंबन मतलब भाव का आधार, भाव को जागृत करने वाली जो चीजें हैं आलंबन के रूप में चित्रण है, तथा उसे मानवीय चेतना से युक्त दिखाकर मानवीकरण किया गया है। मतलब उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, किसी प्रकृति की तुलना उन्होंने किसी युवती की तरह किया है उसका वर्णन। देख वसुधा का यवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, पृथ्वी के यवन को देखकर भ्रमर गुंजार करने लगते हैं। पृथ्वी की वासंती सुषमा पर किसी युवती के यवन का आरोप है। आरोप में मतलब उन्होंने प्रकृति का चित्रण किस प्रकार किया है? एक युवती की तरह किया है। और जब जैसे कि कोई लड़की है जब वो जवान हो जाती है तो बहुत खूबसूरत हो जाती है, तो वैसे ही जब प्रकृति खूबसूरत हो जाती है, प्रकृति जवान हो जाती है, तो उसके यौवन को देखकर, उसके सुंदरता को देखकर भौरे क्या करते हैं? गुंजार करने लगते हैं, वसंत के दिनों में खासकर जब प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है। इसी प्रकार वे संध्या सुंदरी को व्योम या आकाश से उतरते हुए चित्रित करते हैं। मतलब शाम की जो तुलना है, शाम की कल्पना वो कैसे करते हैं? जैसे कि कोई युवती आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर रही है, जैसे धीरे धीरे शाम ढलती है वैसे ही वह शाम का चित्रण उन्होंने कैसे किया है, उसका मानवीकरण किया है कि जैसे कि कोई सुंदरी आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। पंत जी ने छायावाद की रहस्यवादी प्रवृत्ति को भी अपने काव्य में अपनाया। छायावाद का जो एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है रहस्यवाद, और रहस्यवादी प्रवृत्ति को भी उन्होंने अपने काव्य में अपनाया है। इस दृष्टि से उनकी मौन निमंत्रण कविता उल्लेखनीय है जिसमें रहस्यवाद को उन्होंने परिलक्षित किया है। टिमटिमाते हुए तारे उन्हें अज्ञात सत्ता का मौन निमंत्रण देते से प्रतीत होते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये कुछ कविताएं हैं जो आप अगर परीक्षा में उद्धृत करते हैं या फिर याद रखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। छायावादी कवियों ने नारी को सम्मान देते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति माना है। मतलब सभी छायावादी कवियों ने महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया है। पंत जी ने तो उसे यहां तक देवी माँ सहचरी प्राण इत्यादि रूप में संबोधित करके उसे गौरव प्रदान किया है, उसे महत्व प्रदान किया है। छायावादी कवि जो है प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। वे यह मानते हैं कि कविता का जन्म वियोग से होता है। कविता का जन्म क्या होता है? बिछड़ने से होता है, वियोग से होता है। पंत जी ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसके बाद पंत जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। पंत जी ने छायावाद को स्थापित करने के लिए पल्लव जो उनका काव्य संकलन जो 1988 में प्रकाशित हुआ उसके काव्य संकलन की उन्होंने एक भूमिका लिखी थी। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस्टो लिरिकल बैलेट्स का जो घोषणा पत्र लिखा था मैनिफेस्टो, उसे ही रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो कहा जाता है। वैसे पंत जी के पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, क्योंकि इस काव्य संकलन में लगभग 40 पृष्ठों की एक भूमिका है जिसमें छायावादी कविता के स्वरूप को समझाते हुए पंत जी ने काव्य भाषा के स्वरूप को, अलंकार को और शब्द चयन को स्पष्ट किया है। तो पंत जी ने पल्लव की भूमिका 40 पृष्ठों में लिखी है और इसमें उन्होंने बताया है कि छायावादी कविता का स्वरूप क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसमें किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है,
इस प्रकार उन्होंने छायावाद को स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरा है प्रगतिवादी युग से संबंधित कविता, जो 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक लिखी गई। जो प्रगतिवाद है वह मार्क्सवाद से प्रभावित होता है, इसमें शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना रहती है और जो शोषित है उनके प्रति सहानुभूति की भावना रहती है, जो सर्वहारा वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति की भावना रहती है। पंत जी की काव्य यात्रा का दूसरा चरण प्रगतिवादी विचारधारा अथवा मार्क्सवादी विचारधारा से युक्त कविताओं का माना जाता है, उसे यथार्थवादी युग का नाम भी दिया गया है। सन 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक की उनकी रचनाएं इसी विचारधारा से अनुप्राणित है, इसी विचारधारा से प्रेरित है। अनुप्राणित मतलब प्रेरित है। छायावादी रचनाओं में जहां कल्पना की प्रधानता थी, मतलब काल्पनिक दुनिया में रहते थे, कल्पना की प्रधानता थी, किंतु प्रगतिवादी रचनाओं में वे कल्पना के इंद्रधनुषी गगन से यथार्थ के कठोर धरातल पर उतर आए। क्योंकि यथार्थवादी जो रचनाएं हैं वे प्रगतिवादी के समय में लिखी गई, इसलिए वे यथार्थ के धरातल पर आधारित है, समाज की जो कटु सच्चाई है उस पर आधारित है। अपनी प्रगतिवादी रचनाओं में पंत जी सुंदरम से शिवम की भूमि पर पदार्पण करते दिखाई देते हैं। मतलब छायावादी रचना में उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है और शिवम मतलब है लोक कल्याण, कल्याण की भावना उस पर दिखाई पड़ते हैं, वो मतलब उसके संबंध में उन्होंने कविता लिखी है। इस काल की तीन रचनाएं उल्लेखनीय है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत में कवि ने पुरातनता, पुरातनता मतलब प्राचीन जो चीजें पुरानी बात है, जो रूढ़ियां हैं, रूढ़िवादिता एवं निष्क्रिय मान्यताओं के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए स्पष्ट घोषणा की कि जो पुराना पड़ गया है, जो निष्प्रभ है, प्रभावहीन है, जिसकी चमक समाप्त हो चुकी है, जो अभी प्रासंगिक नहीं है एवं मृत प्राय हो गया है, जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। मतलब जो भी चीजें मृत प्राय हो चुकी है, जिसकी आज प्रासंगिकता नहीं रह चुकी है, उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को समाप्त हो जाना चाहिए, तभी वे नई परंपराओं के लिए या नई रुचियों के लिए स्थान दे पाएंगे। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे श्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन। मतलब जो पुराना पड़ गया है उसे अपना स्थान खाली कर देना चाहिए, जिससे नूतनता का विकास हो। जैसे पुरानी पीढ़ी अपनी जगह को छोड़ देती है या पुरानी परंपराएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसकी जगह में नई परंपराएं आती हैं और नए लोगों को नए विषय पर कविता लिखने का मौका मिलता है। युग के कोकिल मतलब कवि को ऐसे पावक कण, पावक कण मतलब अग्निकट या पवित्र करने वाला कण, मतलब विद्रोही विचार, वे कवि से आग्रह करते हैं कि ऐसे विद्रोही विचारों की वर्षा करें जिससे जीर्ण पुरातन नष्ट हो जाए। मतलब ऐसे विषयों पर आप कवि लिखें जिससे कि जो प्राचीन और रूढ़िवादी परंपराएं वे समाप्त हो जाए, उसके स्थान पर एक स्वस्थ और अच्छी परंपरा जन्म ले। गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। युगवाणी में कवि का स्वर और भी तीव्र हो गया है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने बहुत तीव्रता से इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शोषण का विरोध करने लगता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित है तो वे शोषण का विरोध करते हैं। ताज नामक कविता में वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जब संसार में लोग भूखे नंगे और आवासहीन हो, तब ताजमहल जैसे स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्होंने उस पर व्यंग किया है कि जिस देश में लाखों लोग जिनके पेट भर भोजन नहीं मिलता, कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सिर पर छत नहीं है, वहां पर ताजमहल जैसे स्मारक बनाकर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, उससे कोई आवश्यकता नहीं है। जीवित लोग तो जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हो, अमृत लोगों के लिए संगमरमर के भव्य स्मारक बनाए जाए, यह कहाँ का न्याय, यह उनका कहना है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोक, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। कवि ने एक ऐसे युग की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें वर्ग भेद कम हो, मतलब शोषण और शोषित के बीच की जो दूरी हो बहुत ही कम हो, जीवन की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वे सभी लोगों को उपलब्ध हो। पूंजीवाद की भर्त्सना उन्होंने की है, पूंजीवाद की उन्होंने निंदा की है, धिक्कारा है और श्रमिकों के प्रति सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की है। तो इस प्रकार ऐसे मार्क्सवादी तत्वों से पंत जी भी प्रभावित होकर कविता लिख रहे थे। पंत जी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित होते हुए वे गांधीवाद के समर्थक रहे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी मार्क्सवाद पर आधारित सिद्धांत है, मार्क्सवाद के अंतर्गत आता है। मतलब पूरे दुनिया में हमेशा दो शक्तियों में द्वंद्व चलते रहता है और दो शक्ति में जब द्वंद्व होता है तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। तो इस विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी वे गांधी जी के भी समर्थक रहे, इसलिए इस काल को यथार्थवादी काल कहना अधिक उचित है, क्योंकि वे आदर्श के धरातल पर पूर्णतः टिके दिखाई नहीं देते। इसके बावजूद वे पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा पर वे क्या है बहुत ज्यादा टिके हुए नहीं है, उनके अंदर गांधीवाद का भी प्रभाव है।
युगवाणी में मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का समन्वय है। तो युगवाणी नाम की उन्होंने जो कविता लिखी उसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का समन्वय दिखाई देता है। पंत जी बाह्य रूप से मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी आंतरिक रूप से गांधीवाद से प्रभावित थे। मतलब बाहरी तौर पर तो वे मार्क्सवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं, लेकिन भीतरी तौर पर वे गांधीवाद से भी बहुत प्रभावित थे। गांधीवाद से तात्पर्य है सर्वहारा समाज, मतलब जो समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसका भी कल्याण होना चाहिए। सामूहिक विकास के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों की उपयोगिता का वे स्वीकार करते हैं, व्यक्तिक विकास के लिए गांधीवाद का वे समर्थन करते हैं। मतलब पूरे समूह के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए मार्क्सवाद अच्छा है, लेकिन किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल के विकास के लिए गांधीवाद ज्यादा अच्छा है उनके हिसाब से। इस प्रकार उनके युगवाणी संकलन में तत्कालीन युग की दोनों प्रमुख विचारधाराएं मार्क्सवाद और गांधीवाद देखी जा सकती है। तो युगवाणी जो काव्य संकलन है इसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का समन्वय उन्होंने किया है। इस काल की तीसरी प्रमुख रचना है ग्राम्या, जिसमें कवि ने ग्राम्य जीवन के यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। ग्राम युवती, गांव के लड़के, वह बुढ़ा, ग्राम श्री, कहारों का नित्य आदि कविताएं ग्रामीण जीवन एवं ग्राम्य संस्कृति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। यथा ग्रामीण युवती का यह चित्र दर्शनीय है। इटलाती आती ग्राम युवती, वह गजपति सर पर डगर पर, सर काती पट खिसकाती लट, शर्माती झट, वह नमित दृष्टि से देख पुरोजों के युग घट। इस प्रकार प्रगतिवादी काल की रचनाओं का कला विधान भी छायावादी कविताओं से भिन्न है। मतलब तो प्रगतिवादी जब उन्होंने कविता लिखी है तो इसका जो मूड है वह छायावादी कविता से भिन्न है। यहाँ पर भाषा में सरलता है, छंद के बंधन खुल गए हैं, छंद का कोई बंधन नहीं है यहाँ पर, तथा शैली में स्वाभाविकता का समावेश हो गया है। कवि की भावुकता पर बौद्धिकता का अंकुश लग गया है। पहले कवि भावुक हुआ करता था छायावादी समय में, छायावादी युग की जो कविताएं हैं उनमें भावुक थे, लेकिन यहाँ पर वे बुद्धि और तर्क का प्रयोग करने लगे हैं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि छायावादी रचनाओं में जो सरसता एवं कलात्मकता है उसका अभाव प्रगतिवादी रचनाओं में। तो उनकी जो कविताएं छायावादी समय में लिखी गई, छायावादी युग के समय में, उसमें उनकी कविताएं बहुत ही मधुर हैं और छंदबद्ध हैं, कलात्मक हैं, सरस है, पढ़ने में उनको अच्छा लगता है। यह कम से कम शब्दों में तथा शिल्प सजगता से मुक्त होकर अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर शिल्प की ओर सजग नहीं है, छंद और अलंकार इन सब बंधनों से मुक्त होते हुए उन्होंने लिखा है और मुक्त होकर उन्होंने अभिव्यक्ति की है। इसके बाद तीसरा है अंत चेतनावादी युग, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इसका समय काल है 1940 से 1948 ईस्वी। पंत जी की काव्य यात्रा का तीसरा चरण अंत चेतनावादी मतलब आंतरिक चेतना युग कहलाता है। आंतरिक चेतना मतलब भीतरी चेतना, अपने मन के भीतर झांकना। मार्क्सवाद एवं गांधीवाद की मान्यताओं से प्रभावित कवि को अभी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल सकी, अभी भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। मार्क्सवाद में जहां उसे आक्रोश दिखाई दिया, वहीं गांधीवाद सामूहिक जीवन के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत न कर सका। अब मार्क्सवाद में क्रांति की बात की गई थी, वहां पर क्रांति के लिए हिंसा भी स्वीकार्य था, और गांधीवाद में क्या है, व्यक्ति की उन्नति तो समाहित थी, लेकिन गांधीवाद के हिसाब से पूरे समाज के कोई सामूहिक उन्नति का कोई भाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था उनको, इसलिए इनसे इनका मोह भंग हो गया। इसी काल में पंत जी गंभीर रूप से बीमार हो गए और वे कल्पना नामक फिल्म के संबंध में मद्रास गए। फिल्मों के संबंध में कुछ लेखन करना था, मद्रास चले गए। वहां से पांडिचेरी जाकर उन्होंने महर्षि अरविंद के दर्शन किए। महर्षि अरविंद अपने समय के बहुत महान दार्शनिक, ज्ञानी और योगी हुए हैं, उनके आश्रम में गए। अरविंद आश्रम के निकट संपर्क में आकर वे अरविंद साहित्य से प्रभावित हुए, अरविंद जी के दर्शन से प्रभावित हुए, और अरविंद जी की जो पुस्तक है भागवत जीवन, द डिवाइन लाइफ, से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, उनकी सोच बदल गई, दिशा बदल गई। और पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाओं में प्रमुख हैं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूली। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूली में अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताओं का संकलन है। अब कवि यह विश्वास करने लगा कि आर्थिक समता ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मानसिक और आंतरिक समता भी अत्यंत आवश्यक है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के बाद कवि को यह पता चलता है कि जीवन में सिर्फ आर्थिक समता हासिल कर लेना, सभी लोग आर्थिक दृष्टिकोण से समान हो जाए, यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके मन का स्तर, मानसिक स्तर भी एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनके अंदर भीतरी समता भी होनी चाहिए। लोग एक दूसरे को समान भाव से देखें, उनमें अंदर और बाहर दोनों में समता होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मानव को अपने अंतःकरण में तप, संयम, श्रद्धा, आस्तिकता आदि भावों को स्थान देना चाहिए। इसलिए सभी व्यक्तियों के हृदय में अच्छी भावनाएं होंगी, संयम होगा, तप होगा, श्रद्धा होगी, एक दूसरे के प्रति आस्तिक होंगे, ईश्वर के प्रति आस्था रखेंगे, तभी यह दौर आ सकता है। फिर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से मानव अंतर हो अंत स्मित, संयम तप की सुंदरता से जग जीवन शतदल अधिक प्रहसित,
व्यक्ति विश्व में व्यापक सत्ता हो, जन के भीतर से स्थापित, मानव के देवत्व से ग्रथित जन समाज जीवन हो निर्मित। कवि ने यहाँ बुद्धिवाद का विरोध किया है और त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर प्रेम की भावना को अपनाने पर बल दिया है। यहाँ उन्होंने तर्क और बुद्धि के प्रयोग करने के बजाय आस्था को ज्यादा महत्व दिया है। त्याग और तपस्या और संयम जैसे मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया है। ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास को उन्होंने बल दिया है। इसके बाद आता है नव मानवतावादी युग। तो 1949 ईस्वी के उपरांत इस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी है। पंत काव्य के क्रमिक विकास का चतुर्थ चरण नव मानवतावादी कविताओं का युग है। और नव मानवतावाद क्या है? नव मानवतावाद जीवन में मूल्यों को प्रथम स्थान देने का उपदेश देता है। जो जीवन मूल्य है, जो वैल्यूज है सोसाइटी के, उनको स्थान देने, जीवन में स्थान देने को कहता है नव मानवतावाद। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को महत्व प्रदान किया जाता है और इसे व्यक्ति के गौरव एवं सम्मान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। तो इतनी सारी चीजें, मतलब जीवन में मूल्यों का निर्माण होना चाहिए, जीवन में मूल्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए, उनका पालन किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को महत्व देते हुए व्यक्ति के गौरव और सम्मान को महत्व प्रदान किया गया। इस युग की रचनाओं में प्रमुख है उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, लोकायतन, चिदंबरा, अभिषेकिता और समाधिता। इनमें से कुछ काव्य संकलन पूर्व काव्य संकलनों से निर्मित है। पहले जो उनके काव्य संकलन आए थे वहां से कुछ कविताएं लेकर इन्होंने इनको लिखा। और चिदंबरा बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, ये परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। चिदंबरम पर कबीर पंत को 1992 ईस्वी में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उत्तरा की कविता गीत विह में उन्होंने नव मानवता का संदेश इन शब्दों में दिया है। मैं नव मानवता का संदेश सुनाता। अतिमा में संकलित संदेश कविता में कवि ने मन को विराट आत्मा से युक्त कर प्रेम, सौंदर्य एवं लक्ष्य युक्त जीवन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। मतलब इन्होंने क्या लिखा है, अतिमा में जो संदेश नाम की कविता है उसमें उन्होंने मन को विराट आत्मा से, मतलब परमात्मा से युक्त कर प्रेम, सौंदर्य और लक्ष्य युक्त जीवन, मतलब जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए, इसकी प्रेरणा उन्होंने दिया है। मन को विराट की आत्मा से कर सर्वयुक्त, तुम प्यार करो, सुंदरता में रहना सीखो, जो अपने ही में पूर्ण स्वयं है, लक्ष्य स्वयं, कभी यही महत्तर ध्येय मनुष्य के जीवन का। तो मनुष्य के जीवन का जो महान लक्ष्य क्या है उन्होंने इसे बताया है। और उत्तरा से लेकर अभिषेकता तक की उनकी सभी रचनाएं मानवता को उन्नत बनाने के लिए दिए गए संदेशों से युक्त है। नव मानवतावादी कविताएं हैं। जाति, पाति एवं वर्ग की संकीर्णता से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए और व्यक्ति को अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। तो उनका उनकी अपेक्षा है, उनका संदेश है कि लोग जाति पाति की जो भावना है उससे ऊपर उठें, स्वयं को मुक्त करें और अपने अंदर जो मानवीय गुण है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनका विकास करें। मानव जीवन जब प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तब उनके बीच की खाई नष्ट हो जाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति प्रेम में हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम से भर जाता है, तब लोगों के बीच में जो खाई है, जाति पाति धर्म संप्रदाय की जो दूरी है, वह भी मिट जाती है। लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और स्वस्थ समाज की स्थापना होती है। पंत जी ने यहाँ विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया है। वे कहते हैं, वह हृदय नहीं जो करे ना प्रेमाराधन, मैं चिर प्रतीति में स्नान कर सकूं प्रतिक्षण। मतलब वह हृदय ही नहीं है जिसमें प्रेम की भावना नहीं है। वे जानते हैं कि परमाणु बम का खतरा मानव मन को त्रस्त एवं आशंकित किया हुआ है। मतलब परमाणु बम से सब डरते हैं। तो देश जाति की मोह भत्तियां रोके भू मानव विकास क्रम, मुक्त नहीं चेतना त्रस्त मन, मंडराता सिर पर यम अड़ुबम। तो उस समय का जो दौर था इसका उन्होंने वर्णन किया है। अब क्या है, मानवता का विकास तभी होगा जब मानव के मन में व्याप्त ईर्ष्या और द्वेष के भाव नष्ट हो जाएंगे तथा सभी मानव परस्पर प्रेम भाव से भर जाएंगे। तो नव मानवतावादी जो कविता में उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारे मन से ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना है एक दूसरे के प्रति, वह दूर होनी चाहिए और हमारा हृदय प्रेम से ओत प्रोत होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य में आपस में प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी क्या होगा, हम सही, तभी मानवता का विकास होगा। वह मनुष्य कहता है कि देवों की आराधना करने वाले मानव, तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि मानवता का विकास ईश्वर की सच्ची आराधना है। मतलब यदि तुम मानवता का विकास कर लेते हो, हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत कर लेते हो, तभी यह मानवता का सच्चा विकास है और यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। मानवता को समझो हे देवों के आराधक, मानव के भीतर ईश्वर ही अविरत साधक। नव मानवता के संदेशवाहक पंत जी धर्म, नीति और संस्कृति का वह रूप मिटा देना चाहते हैं जो मानव मानव में भेद करता है। तो पंत जी ऐसे धर्म का विरोध करते हैं, ऐसी नीति, ऐसी संस्कृति का विरोध करते हैं जो मानव मानव के बीच खाई उत्पन्न करती है, उनमें द्वेष की भावना फैलाती है
जो माना माना में भेद करता है। पंत जी की धारणा है कि जब रत्न प्रसवनी प्रसविनी वसुधा मतलब धरती में समता के दाने बो जाएंगे तभी इसमें मानवता की सुनहली फसल उगेगी। मतलब जब हमारे धरती में लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, लोग एक दूसरे का समान समझेंगे, तभी मानवता की फसल यहाँ पर उत्पन्न होगी। रत्न प्रसवनी वसुधा, अब मैं समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मतलब जैसा हम बोएंगे वैसे हमको फसल मिलेगी। उक्त विवेचन और अनुसंधान वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी की काव्य यात्रा जो है अनवरत रूप से जारी रही। प्रारंभ में वे छायावादी विचारधारा से प्रेरित होकर प्रगति कविताएं लिखते थे, बाद में उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखना शुरू किया। इसके पश्चात उन्होंने अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर अंतश्चेतनावादी मतलब भीतरी चेतना वाली रचनाएं लिखी और फिर विश्व बंधु एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनकी रचनाओं का स्वर नव मानवतावादी हो गया, जिसे कहा जाता है विश्व कल्याण। साधना के पथ पर सतत अग्रसर इस कवि ने अपनी प्रतिभा कल्पना और अनुभूति के माध्यम से जो रचनाएं प्रस्तुत की उनमें युग का स्पंदन है और युग की अनुभूति है। तो इस अत्यंत प्रतिभावान कवि ने अपने प्रतिभा के बल पर, अपनी कल्पना और अनुभूति के बल पर जो रचनाएं प्रस्तुत की उसमें उनके समय का युग धड़कता है। उस जो युग था, जो समय था, वह उसमें स्पंदित होता है, उसमें धड़कता है, उसे दिखाई देता है और यही युग की अनुभूति है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने पंत जी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, जब सदियां बीत जाएंगी और हिंदी हिंद की एकता की भाषा होगी तब यह सहज स्पष्ट होगा कि राष्ट्रभाषा का यह कवि सचमुच उस राष्ट्र का जनचरण था। जनचरण था मतलब जब हिंदी आप बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाएगी हिंदुस्तान में, उस समय लोगों को पता चलेगा कि उस समय सुमित्रानंदन पंत नाम के एक ऐसे कवि उत्पन्न हुए थे, ऐसे कवि पैदा हुए थे जिनकी कविताओं में युग का स्पंदन, युग झलकता था, युग की धड़कन हमको सुनाई देती थी और वास्तव में वे लोक गायक थे, जन गायक थे। उनकी कविता निश्चय ही मानवता के उत्तरोत्तर विकास की गाथा है। तो उनकी कविता के जो चार चरण है वे वास्तव में मानवता के निरंतर विकास करने की कहानी है, उसकी गाथा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने पंत जी की काव्य यात्रा के चारों चरणों को समझ लिया होगा। यदि मेरे आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।